नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। कोरोना काल का यह दौर एक बुरे सपने की तरह हमारे जेहन में मृत्यु काल तक रहेगा और न जाने कितने वर्षों तक इसका दंश हमें झेलना पड़ेगा। इस छोटे से अदृश्य विषाणु ने धरती के भगवानों को भी नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया है। इसका भय इतना कि हम इंसानों ने खुद को घरों में कैद करके भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आज इंसान को इंसानों से भी डर लगने लगा है। पूरा विश्व लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहा है। व्यापार धंधे सब चौपट हो गए हैं। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को अब भुखमरी की समस्या सताने लगी है। इन सब के बावजूद कोरोना से बहुत सारे लाभ हमें मिले भी हैं। हमने घरों में रहकर परिवार को समझा है। जो दिलों की आपसी दूरियां बुझ चुकी थी वो फिर से रोशन हो गई है। हर वक्त व्यस्त रहने वाले भी आज रिश्ते तलाश कर उनसे गप्पे लड़ा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का जो डरावना चेहरा था उसमें काफ़ी नरमी आई है। हमें घर और परिवार के बीच रहकर कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ है। इसके अलावा कोरोना काल ने हमें यह भी समझाया है कि देश में यूनिवर्सिटी और अस्पतालों की हमें कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। गौरतलब है कि देश में किए गए तालाबंदी के दौरान कैद हो गई थी मैथन डैम की खूबसूरत वादियाँ भी। सैलानियों से खाली मैथन डैम का मनोरम दृश्य भी शामिल हो गया था। साथ ही सैलानियों पर आश्रित यहाँ के दुकानदार, होटल और नौका वालों के परेशानी पर चिंता की लकीरें खींच गई थी। लेकिन 8 जून की पहली किरण इनके लिए थोड़ा राहत लेकर आया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मैथन डैम की खूबसूरती को आज़ाद करने के आदेश दे दिए, जिसके बाद यहाँ के व्यवसायियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी दुकानें, होटल और नौका की साफ सफाई शुरू कर दी गई। स्थानीय होटल एसोसिएशन ने इस आदेश का स्वागत किया है, लेकिन ये भी चिंता जाहिर की है कि क्या पर्यटक यहाँ आएंगे। वैसे होटल प्रबंधकों ने होटल में कमरा लेने वालों के लिए कई गाइडलाइन बनाए हैं। साथ ही सरकारी आदेशों का भी पालन किया जाएगा ताकि कोरोना को मात दिया जा सके। वहीं नाविकों में भी इस बात को लेकर काफ़ी खुशी है। नाविकों ने कहा कि लंबे अंतराल तक डैम बंद रहने के कारण हम लोग तंगी की कगार से गुजर रहे थे, क्योंकि साल की शुरुआत में ही इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गई जिसकी वजह से साल भर की कमाई खत्म हो गई। उस पर से काम बंद हो जाने के से विकट समस्या हो गई। लेकिन शुक्र है केंद्र और राज्य सरकारों ने यहाँ से तालाबंदी हटा दी। लेकिन यह भी चिंता है कि इस कोरोना काल में पर्यटक आएंगे भी या नहीं। अंत में आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, जहाँ भी जाएं मास्क सैनिटाइजर का अवश्य उपयोग करें। इसके साथ ही सामाजिक दूरी बनाए रखें। साथ ही केंद्र सरकार के जो आदेश हैं उसका अनुसरण करें, तभी तो लड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। এই শোনা গেল কি মানে যেমন কালকে রাতে শোনা গেল কি 8 তারিখ থেকে খোলা মানে বন্দরটা খোলা হবে, সেই জন্য আমরা বোট ফোট সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলাম। এইসব যদি পর্যটকরা যদি আসে তাদের জন্য 2 মাস থেকে তো পুরো বন্ধই ছিল। আর কি খবর আছে আপনাদের কাছে? খবর এটাই যে কি সিজন থেকে মানে খুব এবছর খুব একটা ভালো চলে নেই, আর আমাদের তো মোটামুটি এখন খুবই মানে খারাপ অবস্থা। আর কি কি করলো
আজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলাম, বোর্ডকে ধোয়াধুয়ি করলাম, সব কিছু স্যানিটাইজ করা হলো, ঝাড়ু মারা হলো, সব কিছু নখ বোর্ড ফোর্ড সব কিছু ঠিক করানো হলো। যদি এখানে কৈলাসের মন্দিরে যদি এখন মন্দিরটাও খুলে গেছে, যদি মন্দিরে লোক আসে তো ড্যাম্পের লোক হবে, আর মন্দির যদি বন্ধ থাকে তো এখানে ড্যাম্পও বন্ধ থাকবে। আপনার নাম? গুলাপান স্যার।